नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस 14। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज के अंदर न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं उनको बेसब्री से अपने महंगाई भत्ते का इंतजार होगा। ऐसे में पहले भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है और जैसा कि उम्मीद जताया जा रहा था और जैसा कि सरकार की तरफ से जो जवाब आया था RTA के तहत उसकी जानकारी हमने दी थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सरकार के तरफ से जो भी कहा गया था, चाहे RTI में कहा गया हो या फिर अलग अलग सोर्सों के माध्यम से कहा गया हो, उसके बाद भी न्यूनतम वेतन का यानी कि महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में आज ही मैंने लेबर विभाग के अधिकारी के ऑफिस में फ़ोन किया और फ़ोन करके जो जानकारी हमें मिली है कि क्या वजह है कि दिल्ली के मजदूरों का अप्रैल 2024 का महंगाई भत्ता जारी होने में देरी हो रही है, आज मैं इसके बारे में न केवल बताऊंगा बल्कि आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्या हमारी बातचीत हुई थी। इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप दिल्ली राज के अंदर प्राइवेट कर्मचारी मजदूर के रूप में काम करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी जा करके आपका ये मुद्दा बन पाएगा और कहीं ना कहीं सरकार की नींद खुलेगी। तो इसीलिए अपने हर एक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के द्वारा आपके महंगाई भत्ते के नोटिफिकेशन के बारे में क्या कहा गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक आंकड़े के हिसाब से पूरे दिल्ली के अंदर तकरीबन 50 लाख मजदूर प्राइवेट कर्मचारी ऐसे हैं जो कि न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं। हालांकि उनको न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं मिलता है ये आपको बेटर पता होगा, लेकिन आपके लिए हर साल दो बार महंगाई भत्ता जारी करने का प्रावधान है, जिसमें कि एक बार अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में जारी होता है। दिल्ली सरकार के लेबर विभाग से पिछले 4 साल से आपका जो महंगाई भत्ता है काफ़ी देरी से जारी किया जाता है, कई बार मुझे खुद उनको याद दिलाना होता है। हालांकि अभी आपका मार्च 2024 में नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो जारी नहीं हो पाया। इसके पीछे दिल्ली सरकार की तरफ से तर्क ये था जो कि एक RTA के जवाब में मुझे प्राप्त हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि आचार संहिता लगा हुआ था इसीलिए देरी हुआ, जबकि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग का ये आधारहीन जवाब माना जाएगा क्योंकि आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता था। लेकिन पूरे दिल्ली के 50 लाख मजदूरों का कोई ख्याल इनके मन में नहीं आता है या फिर नहीं आया और इन्होंने उसको देरी कर दिया। अब देरी करने के बाद आचार संहिता समाप्त हो चुका है, चुनाव कब का खत्म हो गया, उसके बाद जारी हो जाना चाहिए था, फिर से एक RTA लगता है और जिसमें आज जवाब ये आता है कि अंडर प्रोसेसिंग है, कहने का मतलब फाइल चल चुका है। और इसी के बीच हमने खुद दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को एक शिकायत भी ईमेल के माध्यम से भेजा था और फ़ोन भी किया था, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी, और उसके बाद भी अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा जुलाई महीने का 11 तारीख होने तक भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि मैं अब प्रयास करूँगा और अभी गाँव से मैं दिल्ली आया हूँ और आते ही मैं बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आपको सही तरीके से नहीं मिल पा रही होगी या फिर आवाज़ में प्रॉब्लम सुनाई दे रही होगी। फिर भी आज मैंने क्या किया, दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के अधिकारी को कॉल लगाया और कॉल लगाने के बाद क्या बातचीत हुई वो मैं आपको सुना करके बताना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद से देखिए कि उनके द्वारा क्या रिस्पॉन्स दिया गया है। हेलो हेलो, आप मनीष कुमार गुप्ता एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात हो सकती है? आप कौन बोल रहे हैं? जी सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस। राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस? वो तो यहाँ नहीं बैठते, दूसरे डिपार्टमेंट में बैठते हैं, लिंक ऑफिस मतलब कई सारे चार्ज हैं उनके पास। नहीं, नंबर तो उनका यही शो कर रहा है ना आपके वेबसाइट पे, और यही शो करेगा जी, इस डिपार्टमेंट का भी चार्ज है। अच्छा अच्छा, उनके पास। हाँ। मैं ये उनको संज्ञान में दिलाना चाह रहा था ना कि जो दिल्ली सरकार के द्वारा लेबर का जो महंगाई भत्ता जारी होता है अप्रैल का, अभी तक नहीं जारी किया गया है, वो कब तक हो पाएगा, किनसे बात करनी होगी इसके लिए? हमारे एडिशनल कमिश्नर, हमने फाइल असल में पुट अप करके भेज दी थी जी, ठीक है जी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ना, CM है ना, मिनिस्टर है लेबर के जी, आपको क्लियर मतलब फैक्ट मैंने बता दिया, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, हमने तो जैसे ही MCC खत्म हुआ था इलेक्शन के तुरंत बाद भेज दी जी जी, ठीक है जी। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, कब क्या करती है, वो हम नहीं कह सकते। उनके तरफ से डिले है, आपके तरफ से फाइल पुट अप किया हुआ है? हमने तो फाइल भेज रखी है। तो LG महोदय के पास जाता है ना फाइल सर? LG महोदय के पास फाइल जाता है ना? मिनिस्टर से हो जाता है? नहीं, अरविंद जी से हमारी बात हुई थी, आपके जो लीगल हेड है ना अरविंद जी,
दो साल पहले बात हुई थी, उन्होंने प्रोसेस बताया था कि आपके यहाँ से फाइल पुटअप होता है, उसके बाद एलजी के पास जाता है, वहाँ से साइन होके आने के बाद नोटिफाई हो जाता है। जब आपकी उनसे बात हुई, मेरे ख्याल से एलजी को नहीं जाता है, लेकिन बीच में दो चैनल हैं, अगर जाता होगा तो भी। ओके ओके। मिनिस्टर और सीएम दोनों ही नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, तो इसी वजह से देरी हो रही है, जवाब देते रहते हैं। ठीक है जी, ओके, पता करता हूँ। तो इनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है और मिनिस्टर भी नहीं है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। अब ऐसे में आपका सवाल होगा कि क्या जब तक वो जेल के अंदर रहेंगे तब तक क्या नोटिफिकेशन जारी होगा कि नहीं होगा। एक तरह से आपको बता दें कि ये उनका अनऑफिशियल बयान था। ऑफिशियल बयान क्या है, इसके लिए मैं एक आरटीआई लगा करके जानकारी निकालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई राय है कि इसके लिए क्या किया जाए, क्या इन्होंने सचमुच में फाइल पुटअप कर दिया है, क्या मुख्यमंत्री को वो फाइल जाता है साइन होने को, या फिर लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू जाता है, या फिर एलजी को जाता है, क्योंकि मौखिक रूप से मुझे पहले यही जानकारी दी गई थी कि एलजी महोदय के पास भेज जाती है, वहाँ से साइन होकर के आता है, उसके बाद हम नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो इन बातों की सच्चाई जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं सरकार के तह तक ऑफिशियल तरीके से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, और साथ ही कोशिश करनी होगी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की, जिसके लिए हमारे इस वीडियो को ट्विटर के माध्यम से भी आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही और क्या सब कर सकते हैं, आप कमेंट्स में हमें सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम सरकार के ऊपर दबाव बना करके आपके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी करवा पाए। दोस्तों, इस जानकारी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।